नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास है JCB 4x4। इसका फ्रंट व्हील जो था 4x4, उसमें से ऑयल लीक हो रहा था। ये वाली जो ऑयल सील है वो कट गई थी, तो यहाँ से हमारा ऑयल लीक हो रहा था काफ़ी। जो इसके अंदर जो ऑयल रहता है, इसके डिफरेंशियल में जो सॉरी डिफरेंशियल में नहीं जो हब में जो ऑयल रहता है, वो ऑयल नीचे काफ़ी गिर गया था। ये देखिए, इस जगह ऑयल सील लगती है तो यहाँ से लीक कर रहा था। इस वजह से हम इसका ये ऑयल सील चेंज किए हैं। अब इसका लगाने का तरीका क्या है वो आपको दिखाते हैं। डिसमाउंट तो हमने कर लिया था, माउंट करने का तरीका आपको पूरा दिखाएंगे। तो ऑयल सील हमने लगाई है, उसके बाद बैरिंग लगाया है। बैरिंग लगा के जो हब है पीछे वाला, उसको लगाएंगे। इसका हब दो भाग में आता है, दो हिस्सों में रहता है, और इसको हब को लगा के हैमर से चोट मारेंगे धीरे धीरे तो अंदर जाएगा। लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगता है, आप टेढ़ा मेढ़ा ना करें, नहीं तो ऑयल सील आपकी कटने का पूरा चांस रहेगा। और अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो अभी हमने थोड़ा ठोक दिया उसको और सील में बैठ गया है। अभी हम बाहर का वायरिंग लगा लेते हैं। बाहर का वायरिंग हम लगाएंगे इसलिए क्योंकि ये स्ट्रेट रहे और बैलेंसिंग रहे, क्योंकि बैलेंस नहीं रहेगा तो अंदर वाली जो ऑयल सील है वो कट जाएगी। क्योंकि थोड़ा भी ऊंचा नीचा रहेगा तो अगर हैमर से ठोकेंगे तो ऑयल सील गलत चढ़ेगी और टूट जाएगी। तो इसलिए हम वायरिंग को थोड़ा सा अंदर वाला वायरिंग तो लगा ही दिया हमने, अभी बाहर वाले वायरिंग को भी थोड़ा सा हम बैठा लेते हैं। पहले इस वायरिंग को थोड़ा सा हम चोट मार के अंदर कर लेते हैं। और आप देखें, ये काफ़ी रिस्की काम है, आप और करना चाहें तो आप खुद ना करें, इसके लिए आपको इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। और देखिए, हमने बैठाया है लेकिन ये पूरा बैठा नहीं है। अभी आप देख सकते हैं, यह पूरा बैठा नहीं है। बैरिंग लगाया हमने, लेवल हो गया है, सीधा आ गया है, लेकिन ये पूरा नहीं बैठा। अभी हम इस पे मारेंगे हैमर। उसके लिए यहाँ पे एक ओरिंग रहती है, जो ओरिंग हमारी ख़राब नहीं है, फिर भी हम इसको हटा लेते हैं। काफ़ी सावधानी से हटानी है क्योंकि हमने यही ओरिंग यूज़ करनी है। आपके पास अगर दूसरी है तो आप कैसे भी हटा सकते हैं। तो हम इस ओरिंग को दोबारा यूज करेंगे, इसलिए हटाई हमने क्योंकि हम हैमर से यहाँ पे चोट मारेंगे और चोट मारेंगे तो रिंग कट सकती है। तो इसलिए हम ये हब पूरा बैठा नहीं। अभी देखिए, अंदर गया है हब, धीरे धीरे अंदर पूरा हब बैठ जाएगा और बैरिंग को बैठाएंगे। पीछे गैप नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम हैमर से चोट मारेंगे इस पर। और अब देखिए, हमारा पूरा बैठ चुका है हब, फिर भी घूम रहा है। तो अब जो बाहर वाला बैरिंग है, अब हम उसको ठोक के अंदर कर देंगे। इस हब को, जो बाहर वाले बैरिंग को, धीरे धीरे ठोक ठोक के अंदर कर देंगे। पूरा बैठ जाएगा तो हमारा ना तो प्ले रहेगी इसमें, ना कुछ रहेगा, प्ले भी नहीं रहेगी। ऊपर नीचे आप हिला के चेक करेंगे तो प्ले ख़त्म हो जाएगी। हमारा बैरिंग पूरा बैठ गया, गैप भी ख़त्म हो गया। अब हम लगाते हैं इसका सेंटर वाला जो हब है वो, क्योंकि इसी के ऊपर तीत चलते हैं, यही चाल देता है। इसके ऊपर तीत फंसेंगे तो इसमें रहते हैं 6-7 नट रहते हैं, तो इसके हम 4 नट लगा के इसको पहले बराबर कर लेते हैं। और बराबर करें तो एक लकड़ी का गुटका ले लें, क्योंकि इसके दांतों पे अगर चोट लगी तो गलत हो जाएगा, दांतें फिर सही काम नहीं करेंगे, अंदर वाले जो तीत रहते हैं वो टूटने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो इसमें हम 4 नट लगा के इसको बराबर बराबर टाइट कर लेते हैं चारों नटों से, फिर इस पर टॉर्क देंगे, बाकी नट लगाएंगे। तो ये JCB के और भी हमारे चैनल पर वीडियोज़ पर, जब तक ये टाइट कर रहे हैं तब तक मैं छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। सर्विस करने का तरीका, हब ऑयल सील करने चेंज करने का तरीका, बुश चेंज करने का तरीका, JCB के बुश कैसे निकाले जाते हैं, वो सब आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे। और ये हमारा चैनल है जो टेक्निकल वीडियो बनाता है, इसमें आपको सारे टेक्निकल वीडियो मिलेंगे। 100 से ज़्यादा वीडियोस हैं इसमें, आप प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। अगर अंत तक नहीं देखेंगे तो कोई चीज़ छूट जाएगी और आप काम कर रहे होंगे तो आपको ये लगेगा कि अधूरी जानकारी दी है। तो इसलिए आप कोई भी वीडियो देखें पूरा अंत तक देखें। और ये देखिए, हमने इस तरीके से टाइट कर दिया। अब इसको हम टॉर्क ज़्यादा देंगे, एक पाइप लेके भी टॉर्क देंगे, क्योंकि ये काफ़ी लोड रहता है चक्के पे और खुलने का ख़तरा रहता है। तो ये हम इस पर लोड दे देंगे। तो आप अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो प्लीज़, और वीडियो को अंत तक देखो। तब तक ये काम हो रहा है, मैं आपको पूरी एक एक जानकारी दूंगा कैसे हमने क्या क्या करना है, इसके बूस्ट वगैरह सब कुछ, पूरा A to Z JCB का काम कैसे किया जाता है, सब कुछ हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हैं। अब लगाएंगे हम इसका सेंटर हब, और उससे लगाने से पहले ना इसमें एक बार धुलाई कर लेंगे। वो कचड़ा वगैरह रहा, थोड़ा भी कचड़ा वगैरह रहेगा तो दांतों में प्रॉब्लम आएगी, तीत टूटेंगे तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए हम बढ़िया साफ़ कपड़े से, डीजल से इसको साफ़ कर लेंगे। देखिए किस तरीके से एकदम क्लीन किया जा रहा है, इस तरीके से हम बढ़िया साफ़ कर लेंगे। देखिए इस तरीके से बढ़िया से सफाई होता है। इसको साफ़ करने के लिए हम डीजल का उपयोग कर सकते हैं, डीजल से हम साफ़ कर सकते हैं।
और पेट्रोल भी थोड़ी यूज कर सकते हैं करना चाहो तो, बाकी हम डीजल से साफ कर देते हैं। और ये जो हमारा हब है बीच वाला बैरिंग, इसमें कोई ये नहीं है कि आगे पीछे किधर लगाएं, जो लिखा हुआ है वो अंदर की तरफ होगा, बाकी आप किधर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लगा देते हैं इसमें स्नैपरिंग। स्नैपरिंग खेलनी चाहिए, स्नैपरिंग स्क्रू ड्राइवर से चेक कर लें कि स्नैपरिंग खेल रही है या नहीं खेल रही। तो स्नैपरिंग लगाने के बाद अब हम इसका ओरिंग लगा देंगे। थोड़ी सी ग्रीस इसलिए लगाएंगे कि यहाँ से लीक ना करे, ओरिंग लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ से आपका ऑयल लीक करता रहेगा। इसमें जो भी ऑयल डलता है हब के अंदर, जो ऑयल रहता है वो लीक करेगा। तो अभी हमारा जो बाहर का हब है जिसके अंदर ये तीन गैर रहते हैं वो फिट रहते हैं, ये तीनों को ये बराबर रहते हैं, इसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं है। इनको उठा के आप लगा दें, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, इसमें एक जगह स्क्रू लगता है, जो स्क्रू लगता है पीछे से स्क्रू हब को पकड़ के रखता है, वो स्क्रू चेक कर लें किस तरफ लगाए, वो उसको देख के लगाएं। एक स्क्रू पीछे लग जाएगा और अभी हम इसमें टायर लगा देंगे और हमारा अभी काम पूरा हो गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और हमारे टेक्निकल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखते रहो। नमस्कार, फिर मिलते हैं।